बंधुओं भक्तों सनातन प्रेमियों जय बाबा रामदेव जय बाबा राम सफीर। देखिए हम हैं रूनिसा रामदेवरा में। जी हाँ, एक और तपोस्थली और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक माता जी का मंदिर। जी हाँ, माता जी का मंदिर जो कि रामदेवरा में ही स्थित है, ये गुरुद्वारे के पास में ही स्थित है। तो आइए आपको ये माता जी का स्थान दिखाते हैं, जहाँ पर अपार जन समूह है, अपने श्रद्धा और विश्वास लेकर के आता है माता जी का मंदिर। जी हाँ, माता जी का नाम है रावसरिया माता जी का मंदिर। जी हाँ, रावसरिया माता जी के मंदिर से ये प्रसिद्ध स्थान, जहाँ पर आते हैं भक्तजन, जैसा कि हमने कहा, अपने श्रद्धा और विश्वास लेकर के, और सभी की करते हैं मनोकामना पूरी। आप देख पा रहे हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 3-4 रास्ते इस मंदिर के लिए आते हैं और भक्तजन आकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं मंदिर, लेकिन मंदिर से पहले यहाँ का सुंदर नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैसा हमने कहा कि यहाँ 3-4 तरफ से रास्ते आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 3-4 तरफ से ये रास्ते, ये कुछ ऊंचाई के ऊपर स्थित है और देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें। आइए चलते हैं इस दुकान के ऊपर, देख पा रहे हैं आप ये प्रसाद की दुकान, और आगे भी दुकानें बहुत सारी हैं। तो ये प्रसाद की दुकानें, भक्तजन आते हैं और यहाँ से प्रसाद लेते हैं, और ये माता की चुनरी वगैरह यहाँ से लेते हैं। आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक बंधु भी बैठे हैं। जय माता जी, जय माता दी। तो भैया, ये इस मंदिर में सभी जाति के लोग आते हैं? सभी जाति के लोग आते हैं। और आपका शुभ नाम क्या है? चेतन। चेतन जी आपका नाम है। और इसी के साथ साथ देखिए, ये एक बंधु और खड़े हैं। बंधु आप कहाँ के हो? यहीं के हो आप भी, यहीं के हो। तो आप देख पा रहे हैं ये दुकान बहुत सारी हैं। जब तक इनकी जीविका उपार्जन नहीं होता है तो ये दुकान लगाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भक्तजन है, अपार जन समूह है, आता ही रहता है। धीरे धीरे हमें मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ये भक्तजन आ रहे हैं। जय माता जी के भाई साहब, जय माता जी, जय माता जी। ये देखिए, माता के दर्शन करके आ रहे हैं। और ये साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो साइड में है वहाँ पर ये तालाब है, रावसरिया माता जी का ये तालाब। जी जहाँ भी देखो यहाँ पर लगभग तालाब है, इनको नाडिया बोला करते हैं, नाडिया हैं, और ये बरसात के दिनों में संपूर्ण रूप से भर जाया करती हैं। तो आप देख रहे हैं ये सुनहरी दृश्य, रावसरिया माता जी रूनिसा रामदेवरा स्थित ये माता जी का मंदिर, और ये सुंदर नजारा देख रहे हैं यहाँ पे तालाब का। ये देखिए, तो जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर जो भक्तजन आते हैं, दोपहर का समय है, अभी थोड़े भक्त भी कम हैं, और यहाँ पर बाबा रामदेव जी के यहाँ भी इस समय कुछ यात्री कम ही आ रहे हैं। आज से 2-4 दिन पहले यहाँ पर अपार जन समूह था, बाबा राम सा पीर के हजारों की तादाद में भीड़ लगी रहती थी, भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती थी। तो देख रहे हैं आप ये सुहाना दृश्य तालाब का, रावसरिया माता जी का ये तालाब, इन्हें जोगनिया माता भी कहते हैं। ये सुंदर नज़ारा उसी का है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि हमने कहा, ये देखिए प्रसाद की दुकानें, और यहाँ पर भक्तजन आते हैं और प्रसाद लेते हैं, मातेश्वरी को अर्पित करते हैं। अभी दोपहर का समय है तो यात्री थोड़े कम हैं। हम निरंतर माता जी के मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मातेश्वरी को कराएंगे, मातेश्वरी के कराएंगे आपको दर्शन। मान्यता बहुत है इन माता जी की, गुजरात में है, MP में है, रामदेवरा में है, और आसपास के सभी क्षेत्रों में इन माता जी की बहुत मान्यता है। ये देखिए, हम मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं, और ये देखिए भक्तजन यहाँ पर खड़े हैं। भक्तजन अभी दर्शन करके आए हैं, कोई अपने वाहन से आता है और कोई पैदल यात्री भी आता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भक्त यहाँ पर आए थे, और भक्त अपने बाबा मातेश्वरी के दर्शन करके और जा रहे हैं। ये सभी बाबा राम सा पीर के दर्शन के लिए भी आए थे। जय बाबा री, जय माता जी, जय माता जी। आप देखिए श्री रावसरिया माता जी का ये मंदिर, रामदेवरा, ध्वजाएं माता के दरबार में, ये देखिए ध्वजाएं लग रही हैं, और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर यात्री आते हैं, भक्त आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। आइए चलते हैं मंदिर में, ये देखिए भक्त जन आए हुए। जय माता जी, जय माता जी। भाई साहब आप कहाँ से पधारे? जी बालेश्वर से पधारे आप, बड़ी यहाँ से दूर है जी, बड़ी दूर दूर से आए हैं। ये देखिए कि माता जी जिनके पाँव में तकलीफ है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि विश्वास है माता के ऊपर, तो यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। आइए आपको माता की जोत भी दिखाते हैं। जय माता जी, जय माता जी। ये देखिए माता जी की जोत, यहाँ पर यात्री आते हैं तो जोत होती है, और
अपना ये प्रसाद लेकर के हैं और माता जी को यहाँ पर अर्पित करते हैं। आप ये माता जी के दर्शन कर रहे हैं, ये बाहरी तरफ है, ये जोत ली जा रही है और ये देखिए माता जी की पुजारिन है। जय माता जी, जय माता जी साहब। आप यहाँ की पुजारिन है जी, माता जी की सेवा करते हैं। यहाँ पर ये सभी धर्मों के लोग आते हैं, ये सभी धर्मों के लोग आते हैं। माता जी ने जैसे बताया तो एक दफ़ा आप जोत के दर्शन और कर लीजिए। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी। राव सरिया माता जी की जोत के आप कर रहे हैं दर्शन। जय माता जी की साहब, जय माता जी, जय माता जी की। ये देखिए जोत के दर्शन के, आइए अब मुख्य मंदिर की तरफ भी आपको लिए चलते हैं। आइए मुख्य मंदिर के आप दर्शन करवा देते हैं आपको। ये थी मातेश्वरी की जोत जो बाहर की साइड में हो रही थी। ये देखिए भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं, भक्तजन और माता के कर रहे हैं दर्शन। जय माता जी की साहब, जय माता जी, जय माता जी। ये देखिए बाल गोपाल को भी लेकर के आते हैं यहाँ पे। जय माता जी, जय माता जी। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? राजू राम। राजू राम जी, आप यहीं पे रहते हैं? यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? हम 40 साल से। 40 साल से रह रहे हैं। तो माता जी के बारे में कुछ बताएंगे, माता जी कहाँ से आई थी, कौन लाए थे? माता जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जी अविता गाँव जी, वहाँ से हमारे वंश पुराने वंशज लाए थे, हमारे दादा परदादा। कौन से वंशज थे? भील जाति के? भील जाति जी, भील जाति के वंश जो यहाँ लेकर के आए थे मातेश्वरी को, और ये मान्यता है। और आपका राजू जी बहुत बहुत, और इसके बारे में और कोई भी ये विशेष किसी तरह का रोग मिटाती है माता जी, यहाँ कोई लेकर के आता है तो? हर तरह का रोग मिटता है इधर आने से। इधर आने से हर तरह का रोग मिटता हाँ। है। ये देख रहे आप, तो राजू जी ने बताया, और ये यहाँ के भक्त भी है, यहाँ के सेवक भी है, यहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं। तो आइए अब माता जी के दर्शन करवाते हैं आपको। राव सरिया माता जी, जिन्हें जोगनिया माता जी भी कहा जाता है। जय माता दी, जय माता दी। आप जोत के कीजिए दर्शन। जय माता जी, जय माता जी, जय मातेश्वरी। ये देखिए माता जी के ये जोत को जगाए रखे हैं, घी यहाँ पर डाल रहे हैं, और इसी के साथ में देखिए ये एक बंधु बैठे हैं, ये भी पुजारी परिवार से। आपका नाम क्या है? जयराम जी। जयराम जी, आप पहले भी शायद मिल चुके हैं? जी जी, आपकी दुकान भी है यहाँ पे? जी जी, देख पा रहे हैं आप। आइए नजदीक से कीजिए माता जी के दर्शन। जय माता जी, जय माता जी। जी हाँ, मान्यता बहुत है माता जी की, और बड़ी दूर दूर से सर्वधर्म के यहाँ पर भक्तजन आते हैं। तो आप ये कर रहे हैं दर्शन माता जी, राव सरिया माता जी, जिन्हें जोगनी माता जी भी कहा जाता है। और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, बाड़मेर के हिसाब से अलग, और जो दूसरे स्थान है उनके हिसाब से अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। जय माता दी, जय माता दी। निरंतर यहाँ पर जोत होती रहती है, जैसा कि ये बैठे हैं पुजारी जी और पुजारी जी के परिवार, और ये निरंतर यहाँ पर जोत करते रहते हैं। और ये भाई हीरा राम यहाँ पर सेवा भी करता है, साथ साथ में इन्होंने प्रसाद की दुकान भी लगा रखी है। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। जी हाँ, आपने सुना होगा, सबने देखा भी होगा, ये 7 बहनें हैं। तो 7 बहनों में से आप ये देख पा रहे हैं राव सरिया माता जी, और इसके साथ साथ देखिए 7 बहनों का एक भाई, ये भैरव बाबा। तो आप दर्शन कीजिए भैरव बाबा के, 7 बहनों के बीच में ये एक भाई, आप दर्शन कर रहे हैं भैरव बाबा के। राव सरिया माता जी का मंदिर जो कि रामदेवरा में स्थित है, ये जो आपने नाड़ी देखी उसी के तट के ऊपर है ये बसा हुआ है, और यहीं पर ये मंदिर बना हुआ है। जय माता दी, जय माता दी। जी हाँ बंधु, तो देखे दर्शन किए आपने भैरव बाबा के और मातेश्वरी के। ये देखिए ये माता जी का पालना आपको दिखा रहे हैं, और ये माता जी के पालने में ये झूला रहे हैं, जैसे ये हीरा राम भैया जो अभी आपने देखे थे यहाँ पूजा स्थल पे भी बैठे थे, दुकान भी लेकर के बैठे हैं। और ये हिलाइए जरा है माता जी के पालने को, ये देखिए ये माता जी का पालना हिला रहे हैं, और ये है माता जी का पालना। एक बार फिर से कर लीजिए आप जोत के दर्शन, और राव सरिया माता जी के ये जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, अभी लाइट यहाँ पर अभी गई हुई है, अन्यथा और भी अच्छे से आप यहाँ देख पाते। ये देखिए भक्तजन लाला करके यहाँ पर ये चुनरियाँ वगैरह अर्पित करते हैं। जय माता दी, जय माता दी। और ये हॉल देख पा रहे हैं, यहाँ पर यात्रीगण आते हैं और यहाँ पर विश्राम भी करते हैं, और अपने साथ में जो खाना वगैरह लेकर के आते हैं वो भी खाते हैं। तो ये थी माता जी का मंदिर, और आपने अंदर से देखा, और ये मुख्य मंदिर के जो प्रवेश द्वार है उसके आपको करा रहे हैं दर्शन। जय माता दी। जोत इतनी दूर से भी दिख रही है, बहुत जोत आ रही है माता जी की। जय राव सरिया माता जी। जी हाँ बंधुओं, भक्तों, सनातन प्रेमियों,
जैसा कि आपको विदित है कि हम जहां जहां भी तपोभूमि में जाते हैं वहां वहां के दर्शन आपको करवाते हैं। ऐसी ऐसी जगह जो शायद हमने भी कभी नहीं देखी थी, लेकिन प्रभु की कृपा होती है तो अवश्य ही दर्शन होते हैं। तो हम हैं रावसरिया माता जी रामदेवरा, जिन्हें सभी बंधुजन आकर के अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी मनोकामना पूरा करती है मातेश्वरी। ये जोगने माता जी के नाम से भी जानी जाती हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपका पूरणमल पारीख जवान भाई, तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं आपको दर्शन करवाता रहूँगा। ये पौराणिक तपोभूमियाँ हैं, तपस्थलियाँ हैं, तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए विविध विधाओं के कार्यक्रम। जय माता दी, जय माता दी।